नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2023 वाली नैब तरमीम तो महज एक रिफाइन थी और इसकी कोशिश की गई थी। असल नैब तरमीम 2022 में आई थी और चीफ जस्टिस का मजीद ये भी कहना था कि लगता है ये केस EOBI बनता जा रहा है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। EOBI केस में 6 चीफ जस्टिस गुजार थे। जस्टिस मंसूर शाह ने रिमार्क दिए कि ये नेटफ्लिक्स सीजन 3 बन गया है। तफसीलात जान लेते हैं इकरामुल्ला जोया से। जी इकरामुल्ला जोया, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने आज नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मेरे एक साथी जज ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के बारे में हवाला दिया है। अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू ऑफ जजमेंट कानून में मुताबिकत की बात की, जबकि 1 जून 2023 को अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मजीद वक्त मांगा था। तफसीलात से आगाह करने के लिए।